और बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाइट कलर की ऊन ले ली मैंने। मैजिक मैजिक रिंग बनाएंगे पहले। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ऐसे लपेट के हाँ पकड़ के रखेंगे और इन बीच में से निकाल के ये वाला धागा यहाँ से, ये देखिए यहाँ निकला है। ये हो गई मैजिक रिंग। चेन टू। अब हमें यहाँ 11 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। 10 और ये 11। ये देखिए 11 हाफ डबल क्रोचेट बना दिए हैं और ये वाला जोड़ के पूरे 12 हैं। अब ये जो छोटा वाला धागा है इसे खींच के राउंड बना देंगे हम। ये देखिए सर्कल बन गया। अब यहाँ स्लिप स्टिच लेंगे इस पहले वाले चेन में। स्लिप स्टिच इस तरह, ये देखिए आप इसे 1 2 3 चेन 3। अब हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए यहाँ ये इसके आगे वाली चेन, यहाँ पे स्लिप स्टिच, चेन टू, वापस से इसके आगे वाले चेन में स्लिप स्टिच, चेन टू, इसके आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच, अगेन चेन टू। इसी तरह ये छोटे छोटे राउंड्स बनाने हैं हमें, ऐसे पूरे 12 होने चाहिए। ये देखिए ऐसे, और ये 12 वाले। अब जहाँ हमने चेन 3 लिया था वहाँ का फर्स्ट, अब इसे यहाँ पे जोड़ेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह ये देखिए ये पूरे छोटे छोटे राउंड 12 होने चाहिए। अब यहाँ वाइट कलर का धागा कट कर देंगे हम। ये देखिए धागा कट कर दिया मैंने। अब यहाँ से ये धागा निकाल देंगे, ये देखिए, और ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। बस ये हमारे फ्लावर के बीच वाला पोर्शन हो गया है। अब हम ये रेड कलर का फूल बनाएंगे। अब हम लेंगे रेड कलर की ऊन, इसे यहाँ जोड़ देंगे। तरह यहाँ पीछे से पकड़ देंगे, इसे भी साथ में आ जाएगी ये चेन 3। और इसी में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 टोटल 5 हो गए, 5 डबल क्रोचेट। ये धागा थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे खींच के, और जो पहला डबल क्रोचेट है इसकी 3rd वाली चेन में से हुक अंदर लेंगे ऐसे, ये देखिए। और अभी पीछे से ये देखिए
ऐसे करके और इस धागे को अंदर से निकाल देंगे, ऐसे थोड़ा सा खींच देंगे तो ऐसा शेप आ जाएगा। अभी चेन थ्री, 1 2 3। अब इसके आगे वाले में वापस वही 5 डबल क्रोचेट, एक में 3 4 और ये 5। ये थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, जो फर्स्ट वाला डबल क्रोचेट है उसमें से निकालेंगे हुक को और इसमें लेके स्लिप स्टिच इस तरह, फिर चेन थ्री, इसी तरह पूरे 12 होने चाहिए ये राउंड्स। ये देखिए ये पूरे 12 है। अब लास्ट वाले को जोड़ेंगे, 3 चेन, यहाँ से स्लिप स्टिच। अब रेड कलर कट कर देंगे, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ हमें ग्रीन कलर लेना है। मैंने यहाँ ग्रीन कलर की ऊन जॉइन कर दी है, 1 2 3 चेन और 2 डबल क्रोचेट, इस तरह टोटल 3 डबल क्रोचेट होने चाहिए। वापस से चेन 1 और इस आगे वाली गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। वापस से चेन 1 और इसके आगे वाली गैप में 3 डबल क्रोचेट, इसी तरह बना के तैयार कर देंगे। ये देखिए ग्रीन वाला राउंड पूरा हो गया है। अब वापस से वाइट कलर जोड़ेंगे और ये पत्तियाँ बनाएंगे। ग्रीन कलर को कट कर देंगे, स्लिप स्टिच, ये देखिए निकाल के खींच देंगे। अब वाइट कलर ज्वाइन करेंगे हम, ये जो गैप है बीच में हमने इसमें ज्वाइन किया है वाइट कलर, चेन 3, 3 डबल क्रोचेट, टोटल 4 चाहिए हमें। फोर डबल क्रोचेट, वापस से 4 सिंगल चेन, 1 2 3 4 और इसके आगे वाली गैप में 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4। वापस से चेन 4, फिर 4 डबल क्रोचेट, इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ये देखिए ये राउंड हो गया है हमारा। अब आगे देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच लेके हमें इस बीच में आना है, स्लिप स्टिच और ये बीच में, ये देखिए चेन 3, डबल क्रोचेट, ऐसे 2 डबल क्रोचेट हो गए, चेन 1, वापस इसी गैप में 2 और डबल क्रोचेट आएंगे, 1 और ये 2, ओके। वापस से चेन 4, डबल क्रोचेट, इन दोनों के बीच में, ये देखिए यहाँ बीच में 2 डबल क्रोचेट, चेन 1, वापस से 2 डबल क्रोचेट, चेन 4, इसी तरह से ये पूरा करना है हमें। ये देखिए ये हो गया है। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच लेके बीच में आएंगे, पहले
ये देखिए दो इधर है, दो इधर है, हम बीच में 1 2 3 वापिस से एक डबल क्रोचेट साथ में। अब जैसे हमने यहाँ एक चेन ली थी वैसे ही यहाँ पे दो चेन लेनी है और फिर उसी में दो डबल क्रोचेट। ये देखिए अभी चेन थ्री लेके ये देखिए जो ये है अब इसे हम ऐसे जोड़ेंगे यहाँ से, ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ से नीचे डाल के ये देखिए पीछे से आगे और सिंगल क्रोचेट। ये देखिए वापस से चेन थ्री, डबल क्रोचेट, गैप में 2 डबल क्रोचेट, वापस से 2 चेन, उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट। ये देखिए चेन 3, इसे जोड़ेंगे हम यहाँ से, ये देखिए पीछे से आगे लिया और ऐसे थोड़ा सा खींच देंगे टाइट, 1 2 3। अब जैसे यहाँ क्या वैसे सेम, ये देखिए ऐसा शेप आ जाएगा ऐसे, इस तरह बना देंगे हम। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है, ये देखिए मैंने वाइट कलर को कट कर दिया है और यहाँ से स्लिप स्टिच निकाल के थोड़ा सा खींच देंगे और ये ऊन यहाँ अंदर से निकालेंगे ताकि एकदम अच्छे से दिखे। फिर आप फ्लावर्स बनने के बाद इस तरह यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ये सारे ये देखिए धागे से ही ज्वाइन किए हैं, ये देखिए सुई धागे से सब फ्लावर्स ज्वाइन कर दिए। मुझे टोटल 6 फ्लावर्स लगे हैं, आपकी तोरण का जितनी लंबाई होगी उस हिसाब से आप फ्लावर्स बनाइएगा। ये देखें यहाँ पर भी मैंने सुई धागे से स्टिच किया है, और ये मोती आपको बाजार में इजीली मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे मोती लगेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए 10 मोती लिए हैं, यहाँ 13 और यहाँ 20 इस तरह। और ये देखिए मैंने कैसे ज्वाइन किया है, अब ये देखिए ये समझिए ऐसे ज्वाइन है इस तरह। तो एक यहाँ वापस से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे और इस बीच वाले पॉइंट से इस बीच वाले पॉइंट तक। ये देखिए यहाँ नहीं किया है मैंने, ना ही यहाँ किया है, डायरेक्ट यहाँ से इस यहाँ से यहाँ तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 13, इस यहाँ बीच से यहाँ तक 20, इस तरह लगेंगे मोती। और यहाँ नीचे एक पॉइंट पे पॉम पॉम बना के वहाँ पे लड़ लगा दीजिए। यहाँ टोटल मैंने 8 मोती लगाए हैं, एक यहाँ और 7 यहाँ। ये देखिए तो अब हम पॉम पॉम बनाने सीखेंगे। इसके लिए ये देखिए मैंने रेड कलर की ऊन ले लिए और इन 3 उंगलियों के बीच रखेंगे, यहाँ से पकड़ के इस तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 25 राउंड बना देंगे। ये देखिए और यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद एक ये यहाँ से ये देखिए बीच वाली उंगली निकाल देंगे और ये धागा यहाँ से ऐसे लेंगे, यहाँ बांधेंगे इसे
काट मार देंगे यहाँ, इसी तरह दो बार काट मार देंगे। गांठ लगाने के बाद यहाँ से कट कर देंगे इसे। और जी यहाँ है, यहाँ से भी कट कर देंगे सब पॉइंट्स, खोल देंगे दूसरी साइड भी। से काट देंगे, ये देखिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हर एक धागे को खोल देंगे ताकि हमारा पॉम्पम अच्छा दिखे। ऐसे कोम लेके, कोम से ऐसे करेंगे तो सारे धागे खुल जाएंगे। देखिए इस तरह ऐसे करने से पूरे धागे खुल जाएंगे और हमारा पॉम्पम बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखिए धागे खुल रहे हैं, देखिए ये खुल गया है। अब हम इसे साइड से कट कर देंगे अच्छे से, राउंड शेप दे देंगे हम इसे। देखिए ऐसे कर देंगे, थोड़ा थोड़ी सी ऐसी फूंक मार दीजिएगा ताकि परफेक्ट राउंड शेप में आ जाए। और सही ना लगे तो थोड़ा थोड़ा और कट कर दीजिए, ऐसे बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे कट करके ये देखिए बराबर शेप में आ जाएगा ऐसे, ये देखिए यहाँ पे। आपको तोरण कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब फाइनली हमारा तोरण बन के रेडी है। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।